फ्रेंड्स, आजकल बच्चों में भी बहुत खून की कमी होने लगी है, तो ऐसा क्या हम उनकी डाइट में शामिल कर दें जिससे कभी भी उनको आयरन की कमी हुई ना। तो आज मैं इस वीडियो में वही आपको बताने वाली हूँ। और एक बात और कि जो बच्चे मिट्टी खाते हैं या फिर चॉक पेम ये खाते हैं, बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी वो खाती है, तो पहले ऐसा माना जाता था कि मिट्टी खाना बच्चा इसलिए शुरू करता है क्योंकि उसको कैल्शियम की कमी है। पर जो नई रिसर्च सामने निकल के आई है वह ये है कि बच्चों को कैल्शियम और आयरन दोनों की कमी होती है, इसके कारण ही वह मिट्टी खाता है। तो अगर आपका बच्चा मिट्टी खाता है या फिर उसको आयरन की कमी है, या फिर आप चाहते हैं कि उसको कभी आयरन की कमी ना हो, तो ये वीडियो पूरा देखें। प्लीज दीप्ति पाली टीवी को सब्सक्राइब करें, इस बेल को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो के लिए। अधिकतर जो महिलाएं होती हैं उनको आयरन की कमी होती है, और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनको फोलिक एसिड खाने को दिया जाता है और वो उसको खाना पसंद नहीं करती हैं, अधिकतर नहीं खाती या थ्रो कर देती हैं, तो ये वो बहुत गलत करती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा हेल्दी हो, उसको आयरन की कमी ना हो, तो जो भी आपको फोलिक एसिड या आयरन खाने को दिया जा रहा है वो ज़रूर खाएं, और आयरन जिन खानों में हो वो ज़्यादा खाएं, क्योंकि अगर माँ को आयरन की कमी होगी तो उसका जो होने वाला बच्चा है उसको आयरन की कमी होने की संभावनाएँ बहुत बढ़ जाती है। तो इस बात का ध्यान माँ को ज़रूर रखना चाहिए। दूसरी गलती क्या करते हैं कि जब बच्चा होता है तो उसके बाद में जो लेडी होती है वह आयरन खाना बिल्कुल बंद कर देती है, उसको लगता है कि बस अब कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ज़्यादा ज़रूरत आयरन खाने की उसको है, क्योंकि जो बच्चा है 0 से 6 महीने का, उसको जो आयरन है वह माँ के मिल्क से ही मिलने वाला होता है। उस समय आप सिरप भी नहीं दे सकते अलग से आयरन का, और वो कुछ खाता भी नहीं है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस समय माँ को चाहिए कि वह जिन खानों में आयरन ज़्यादा हो वो खाए, और साथ में वो जो फोलिक एसिड प्रेगनेंसी के समय खा रही थी उसको कम से कम 6 महीने तक तो कंटिन्यू रखे, जिससे उसके शरीर को भी फ़ायदा होगा और उसके शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी, तो फिर बच्चे को भी आयरन की कमी नहीं होगी, उसे भी माँ के दूध से अच्छे से आयरन मिलेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जो 6 महीने से 1.5 साल के बच्चे होते हैं वह खाना सीख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा वेराइटी नहीं होती उनके पास में खाने की, इसलिए हमें चाहिए कि हम उनको आयरन का सीरप ज़रूर दें जिससे उनके शरीर में आयरन की कमी ना हो, और साथ में हमें कैल्शियम भी देना चाहिए। अगर आपका बच्चा 6 महीने से 1.5 साल के बीच का है तो आप अगर उसे आयरन नहीं दे रहे हैं तो उससे आज से ही आयरन देना ज़रूर शुरू कीजिए। अगर आप उसको आयरन और कैल्शियम दोनों दे रहे हैं तो दोनों के बीच कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए देने में। आयरन कभी भी खाली पेट नहीं दिया जाता, इसलिए जब बच्चा खाना खा ले उसके 1 घंटे बाद आप आयरन दें तो उसको उल्टी नहीं होगी। और आयरन जब भी दें तो उसके साथ में और कोई दवा भी मिक्स मत करें, जब आयरन दें तो सिर्फ आयरन ही उसको दें जिससे बॉडी अच्छे से आयरन को ले सके। अगर बच्चा खाना नहीं खाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता है दिन भर, उसके पैरों में बहुत दर्द होता है, वो बहुत ज़्यादा सुस्त रहता है, थोड़ा सा ही खेलता है तो वो थक जाता है और बहुत उदास रहता है, उसमें बिल्कुल इतना एनर्जी नहीं रहता जितना दूसरे बच्चों में है, यानी कि उसको खून की कमी है। अब आप इसकी डॉक्टर से जांच जरूर करवा लें अगर आपको ऐसा लगता है तो, और उसके बाद में डॉक्टर जो भी मेडिसिन दे और जितने टाइम के लिए बोले वो कंटिन्यू कीजिए। पर ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, फिर वापस परेशानी आ सकती है। तो इसके लिए बच्चे की जो डाइट है उसमें अब मैं बताती हूँ आपको कि क्या जोड़ें कि बच्चे को कभी भी खून की कमी ना हो। तो देखिए, आयरन जो होता है यानी कि लोह तत्व, तो हम क्या करते हैं कि लोहे की कढ़ाई में मेहंदी को गलाते हैं जिससे मेहंदी का कलर अच्छे से आए। पर हमें मालूम है कि यह लोह तत्व जो आयरन है, अगर हम बच्चे को लोहे की कढ़ाई में खाना बना के देंगे तो वैसे ही उसके शरीर में इसकी कमी नहीं होगी। पर हम इजी वे सोचते हैं और नॉन स्टिक में खाना बना देते हैं। देखिए, आप नॉन स्टिक में खाना ज़रूर बना लीजिए, पर उसको 5 से 10 मिनट आप लोहे की कढ़ाई में बाद में पकाइए, जब आपका खाना बन जाए उसके बाद में माइक्रोवेव में गर्म करने की जगह, तो उससे भी बच्चे को आयरन अच्छे से मिल जाएगा। और अगर आप पूरा खाना लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है बच्चे के लिए। दूसरा, अगर बच्चा 6 महीने से 1.5 साल का है तो उसको अगर आप, वो ऐसे एप्पल नहीं खा सकता उस समय, तो अगर आप उसको एप्पल दे रहे हैं तो उसको एप्पल शेक बना के मत दीजिए, आप उसकी एप्पल की प्यूरी बनाइए, यानी कि उसमें मिल्क बिल्कुल भी मत डालिए, जिससे जो एप्पल का आयरन है वो उसको पूरा उसके शरीर को मिल सकेगा। अगर आपने उसमें मिल्क ऐड कर दिया तो वो आयरन और कैल्शियम मिक्स हो जाते हैं, तो बॉडी को प्रॉपर ना आयरन मिल पाता है ना कैल्शियम मिल पाता है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। गुड़ में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, बच्चे को वो खाने को हर रोज़ ज़रूर दीजिए, एक छोटा टुकड़ा आप दे सकते हैं खाने को, हो सके तो शक्कर की जगह गुड़ देना शुरू कर दीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप सोचते हैं कि गर्मी में गुड़ नुकसान कर जाएगा, गर्मी करेगा, तो ऐसा नहीं है, छोटे से टुकड़ा खाने से आयरन बढ़ेगा ना कि शरीर को वो गर्मी करेगा।
और जब बारिश और सर्दी हो तब आप अच्छे से ज़्यादा गुड़ दे सकते हैं। हमारी मम्मी क्या करती थी तब कि घी जो रहता है उसको अच्छे से गर्म करती थी और गुड़ को कूट लेती थी और फिर उसको घी में गरम गरम घी में डाल देती थी, तो वह एकदम ताज़ा जो गुड़ बनता है ना जब गन्ने होते हैं और उनको गरम किया जाता है गन्ने के रस को, जो गुड़ बनता है वही टेस्ट उसका आता है और साथ में उसमें घी होता है, तो वह बच्चे की हेल्थ भी बनाता है और बच्चे उसको पराठे वगैरह किसी के साथ और ऐसे भी बहुत अच्छे से खाते हैं। तो आप घी गुड़ सर्दी और बारिश में ज़रूर बच्चे को खिलाएँ। हर रोज़ अलग अलग तरह की हरी सब्जियां बच्चे को, जैसे कि पालक हुआ, मेथी हुआ, यह लोहे की कढ़ाई में अगर बना के आपने खिला दी तो बच्चे को कभी आयरन की कमी होगी ही नहीं। एप्पल, बनाना, अनार बच्चे को खाने में ज़रूर दीजिए आप। अगर बच्चा 8 महीने से बड़ा है तो रागी, बीट रूट और जो डेट्स होते हैं, खजूर, उनका सिरप बना के दे सकते हैं किसी भी खाने में ऐड करके। बीट रूट को किसी भी खाने में, खिचड़ी वगैरह कुछ भी बना रहे तो उसको कीस लीजिए, उसको डाल दीजिए, उससे बहुत ज़्यादा बच्चे का खून बढ़ता है। बस बीट रूट का एक ही वो है कि हो सकता है कि फिर बच्चे की पोटी का कलर थोड़ा काला हो जाए, तो उससे फिर आप डरिएगा मत। और अगर बच्चा बड़ा है, जैसे 1.5-2 साल का है, तो फिर आप उसको जो रोटी बना रहे हैं उसमें सोयाबीन का आटा मिला सकते हैं, सोयाबीन उसको खाने में दे सकते हैं, मूंगफली दे सकते हैं, काले चने जो आते हैं वह उसके खाने में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने डॉक्टर से चेक कराया और बच्चे का हीमोग्लोबिन काफ़ी कम आया है तो फिर बच्चे को आप टमाटर, चुकंदर और अनार का जूस ज़रूर दें। यह सब चीज़ें बच्चे के शरीर में एकदम से जो हीमोग्लोबिन है उसको बढ़ाएगा। और जो चुकंदर होता है यानी कि बीट रूट, वह बच्चे को खाने में इतना अच्छा नहीं लगता, हम बड़े भी उसको खाना कम पसंद करते हैं, तो उसको आप गाजर या किसी और चीज़ के साथ मिला के उसका जूस बना दीजिए, बच्चा फिर अच्छे से पी लेगा उसको। या फिर कीस के किसी खाने में दे सकते हैं आप, या फिर आप उसका हलवा भी लोग बनाते हैं वह बना के बच्चे को दे सकते हैं, तो उससे बच्चे का हीमोग्लोबिन, अगर आपने 1 महीने तक लगातार बच्चे को बीट रूट खिला दिया तो हम जो जितना आपका बच्चे का लेवल आया था हीमोग्लोबिन का, वो जस्ट डबल हो जाएगा। तो आप बच्चे को ये ज़रूर दीजिए। और अगर आपका बच्चा 4-5 साल से बड़ा है और वो अगर पी लेता है तो वीट ग्रास बहुत अच्छी चीज़ है, वह बच्चे को ज़रूर दीजिए उसका जूस बना के। जो हम नवरात्रि में ज्वारे उगाते हैं वही आपको उगाना है। 5 पॉट ले लीजिए छोटे छोटे से और उसके अंदर आप जो गेहूं होता है वह डाल के ज्वारे उगा लीजिए और फिर हर रोज़ सुबह आप थोड़े से ज्वारे निकालिए और फिर उनसे आप थोड़ा कम पानी डालिएगा और पीसिए अच्छे से मिक्सी में और फिर उनको छान लीजिए जूस को, और वह जूस आप बच्चे को आधे घंटे के अंदर दे दीजिए। ज़्यादा देर उसको रखते नहीं, आप चाहें तो उसमें शहद या गुड़ मिला दें जिससे बच्चा वो पी ले उसको, और वो मेडिसिन की तरह 2-3 चम्मच ही आपको देना है क्योंकि बच्चा शायद ज़्यादा पिए ना, और अगर वो पी लेता है तो आपको बस इतना सा ग्लास ही अगर आप हर रोज़ देते हैं तो 15 दिन में उसका जो हीमोग्लोबिन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो आप ये ज़रूर कीजिए। और जो जूस बचता है, हम जो गृहणियाँ हैं वह घर का ध्यान रखती है लेकिन अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, और हमारा जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो 9 पे आके अधिकतर अटक जाता है। तो अगर वो जो जूस बच रहा है वो आप पी लें तो वो आपको बिना फेशियल के आपके स्किन पे ग्लो भी ला देगा और आपके बच्चे को भी वह हीमोग्लोबिन को बढ़ा देगा। तो आप ऐसा ज़रूर कीजिए। अगर आपका बच्चा उसको पी लेता है तो इससे अच्छा भी कुछ भी नहीं है ब्लड बढ़ाने के लिए। अगर आपका बच्चा मिट्टी या इस तरह की चीज़ें खाता है या फिर उसको आयरन की कमी है, वह बहुत कमज़ोर हो रहा है, तो बच्चे के खाने में यह सब चीज़ें ज़रूर ऐड कीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तभी भी बच्चे के खाने में यह सब चीज़ें ऐड कर लीजिए जिससे आगे चल के बच्चे को कभी भी आयरन की कमी ना हो। आपका 1 लाइक जो है वह मेरे चेहरे पे मुस्कान ला सकता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल दीप्ति पाली टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।